दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। दीपावली पर पूरे घर को दीयों की रोशनी से सजाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी घर घर पधारती हैं और जिस घर में साफ सफाई और दीयों की रोशनी होती है वहीं पर वे विराजमान होती हैं। इसलिए दिवाली पर घर के अंदर और बाहर और हर एक कोनों में मिट्टी के दीपक खास तौर पर जलाए जाते हैं। सनातन धर्म में मिट्टी के दीयों में दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार लोगों में इस बात का संशय होता है कि आखिरकार दिवाली के दिन घी के दीपक जलाए जाएं या तेल के दीपक। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। सनातन धर्म में हर देवी देवता की पूजा आरती और भोग के साथ संपन्न होती है। पूजा मंदिर की हो या घर की, दोनों ही जगह दीपक जलाने का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक से मनुष्य को अंधकार से उजाले की प्राप्ति होती है और अज्ञान रूपी मनोविकार दूर होता है। लेकिन अक्सर लोगों में दीपक जलाने को लेकर कई सारे संशय होते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं कि दीपक जलाने से जुड़ी कुछ खास बातें और कुछ खास नियम क्या कहते हैं। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय और उनके समक्ष घी और तेल दोनों के दीपक जलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर माँ लक्ष्मी के सामने घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की ओर जलाना चाहिए, वहीं तेल के दीपक को अपने दाएं हाथ की तरफ जलाकर रखना होता है। भगवान के दाहिने हाथ यानी जो आपका बायां हाथ होगा उस तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर बात करें तेल के दीपक की तो तिल के तेल का दीपक या आम तेल का दीपक भी आप भगवान के बाएं हाथ की तरफ जला सकते हैं। घी का दीपक सफ़ेद खड़ी बत्ती से जलाना चाहिए। इस प्रकार की बत्ती को फूल बत्ती भी कहा जाता है। तेल के दीपक की बत्ती लंबी होनी चाहिए। किसी भी पूजा का विशेष फल प्राप्त करने के लिए तेल का दीपक जलाएं और उसमें लाल या पीली बत्ती अवश्य लगाएं। पूजा के दौरान जलाया जाने वाला दीपक बीच में नहीं बुझना चाहिए और इस दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के ठीक सामने ही रखना चाहिए। दीपावली पर या फिर नियमित रूप से पूजन में भी कभी खंडित हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, देवी दुर्गा, शिव जी और भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों के समक्ष पूजा के समय घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही घी का दीपक सभी देवता को समर्पित किया जाता है। इससे देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में घी का दीपक जलाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। भैरव देवता की पूजा के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान है। इससे शत्रुओं का नाश होता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाया जाता है। सरसों या तिल के तेल का दीपक शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए भी जलाया जाता है। तिल के तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है बोल्ड स्काई के साथ। नमस्कार।